स्पॉन्सर्ड बाई सॉल्यूशन 4 एंड को स्पॉन्सर्ड बाई रेंजर्स डिटेक्टिव सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। आर समाज द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचे कुलटी विधायक डॉक्टर पुद्दार। आसनसोल के काली पहाड़ी में मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त, छग बिचत सब मिलने से इलाके में हड़कंप। आर्य समाज कुलटी की ओर से एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि स्वरूप भाजपा कुलटी विधायक डॉक्टर अजय पुद्दार एवं राज्य भाजपा सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी शामिल थे। मुख्य अतिथियों ने शिविर में रक्तदान कर रहे रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। वहीं मुख्य अतिथि कृष्णेंदु मुखर्जी ने स्वयं अपनी ओर से कैंप में एक यूनिट रक्त का दान किया। आज दोपहर और त्रुटि अगर किसी आयोजन में नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर कार्यक्रम में पूर्ण संतुलन कभी नहीं होता है, वो परमात्मा की देन समझिए कि एक में एक छोटी सी त्रुटि करते हैं, तो उन त्रुटि के लिए हम लोग सारे लोग क्षमा दिए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाकी प्रोग्राम करता हूँ। এই রক্তদানটা হচ্ছে মহান দান, এই রক্ত কোথায় যাবে কার কাছে যাবে এটা কোনো আপনি বলতে পারবেন না। ধনীর কাছে গেছে, আবেন্দ্র কাছে গেছে, যে কোনো ধর্মের মানুষের কাছে এই রক্ত পৌঁছে যাবে। তো আজকের এই দিনে, আজকে যখন রক্তই বিভিন্ন জায়গায় এই সময় হসপিটালগুলোতে রক্তের অভাবগ্রস্ত, মানে বিভিন্ন জায়গায় কমিক সিচুয়েশন চলছে, এরকম অবস্থা। Installation 4 get 100% guarantee placement. अब आपके शहर दुर्गापुर में रेलवे बैंकिंग फोर्स स्कूल हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज फी फ्रॉम 18,000 टू 22,000 फॉर कॉन्टैक्ट 9647377134। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत काली पहाड़ी मोड़ के पास एक मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में आधे दर्जन से भी ज्यादा यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई है, वहीं दो की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। बस रानीगंज चितरंजन रूट की थी। यात्रों से भरी बस रविवार को आसनसोल से रानीगंज की ओर जा रही थी। बताया जाता है बस आसनसोल से रानीगंज की ओर जा रही थी। काली पहाड़ी मोड़ पर जैसे ही हाईवे पर चढ़ रही थी तो एक टैंकर ने बस को टक्कर मार दी। तुरंत पुलिस हरकत में आई। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। आसनसोल की तरफ से आ रही थी रानीगंज जाने के लिए, जाने के क्रम में बस बाईपास क्रॉस कर रही थी, उस समय तेल टैंकर का जो गाड़ी है लेकिन वो पुलिस सीट में आते हुए बस को मारा है। बस में 8-10 व्यक्ति खूब ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से दो का अवस्था कंडीशन ख़राब है। हम लोग सबको तुरंत यहाँ से व्यवस्था करके हम लोग हॉस्पिटल भेजे हैं। टैंकर का ड्राइवर कहाँ है? टैंकर का ड्राइवर को हम लोग सेफ करके रखे हुए हैं, पुलिस कस्टडी में हम लोग दे दिए हैं। पुलिस कस्टडी में। रेंजर्स डिटेक्टिव सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर बॉडीगार्ड बाउंसर प्राइवेट डिटेक्टिव सर्विस। कॉन्टैक्ट अस इन 8695500777। आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत रेल पार्क के किसुन डगाल में छत बिछत सब मिलने से सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रविवार की सुबह आर के डंगाल से होकर गुजरने वाले नाले के पास से एक शव पाया गया। सब कई दिनों का पुराना और सड़ा गला था, जिसके कारण मृतक की पहचान नहीं हो पा रही थी। वहीं सवाल यह उठ रहा है कि सब यहां आया कैसे। फिलहाल घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।